हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है बिजनेस एथिक्स और उसके प्रिंसिपल्स। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज बिजनेस एथिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल। नॉर्मली व्हाट इज एथिक्स? इट इज कॉल्ड गुड बिहेवियर या फिर मॉरल्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपस में देता हूँ। जब हम किसी को परेशान करते हैं, किसी को सताते हैं, तब हम बोलते हैं, अरे क्या रे, तू उसको कितना परेशान कर रहे हैं? तेरे अंदर कोई मैनर्स है कि नहीं है? कुछ मॉरल वैल्यूज हैं कि नहीं है? तेरे अंदर गुड बिहेवियर नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है? अरे गुड मैन यार, गुड बॉय यार, क्यों उसको परेशान कर रहा है? कुछ एथिकल वैल्यूज हैं कि नहीं तेरे अंदर? मतलब अगर हम किसी को बिना वजह परेशान करते हैं तो वो भी अनएथिकल है ना? तो यहां पर इसीलिए पूछा बोला जाता है कि एथिकल किसे कहते हैं, विच इज गुड बिहेवियर, ठीक है, जहां पर मॉरल वैल्यूज की बात आती है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर मैं बिजनेस एथिक्स की बात करूं तो बिजनेस में किसी को परेशान ना करना, इट इज नथिंग बट अ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो सिंपल वे में इसको लेते हैं, बिजनेस एथिक्स इट इज द एप्लीकेशन ऑफ गुड बिहेवियर इन बिजनेस। कैसे? बिजनेस एथिक्स इज कमिंग टू नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग इन द वर्क प्लेस एंड डूइंग वॉट्स राइट। आप देख रहे हो, यहां पर आपको पता चल जाता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और आप फिर क्या करते हैं, राइट चीज करते हैं इन अ वर्क प्लेस। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। इजी। अब बात ये आती है कि बिजनेस एथिक्स करने के फायदे क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बिजनेस एथिक्स कैन बी सेट टू बिगिन वेयर द लॉ एंड्स। आपको पता है लॉ जो है क्यों बनाया गया है, कि ताकि कोई भी गलत चीज हो रही है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसे सुधारा जाए। जिसने भी गलत किया है, जिसने भी डैमेज पहुंचाया है, वो उसे कंपनसेट करके देवे। सही बात है। तो घूम फिर के अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि लॉ में बहुत सारी चीजें तो हैं लेकिन कुछ चीजें छूट जाती हैं, और वो हमें समझ कर लेना रहता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अपना जजमेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, सपोज मान लीजिए आप मिलकर काम कर रहे हैं और आप 10 लोगों में 2 लोग जो है मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तो बताओ क्या वो एथिकली है, सही है? बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें कानून में नहीं लिखी गई है, ये चीजें हमें खुद समझनी है कि यार 10 लोगों की टीम है, चलो मिलकर काम करते हैं, टांग नहीं अड़ाना है मिलकर हाथ बटाना है, साथ ही हाथ बताना है, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर इसीलिए बहुत अच्छा लिखा है, बिजनेस एथिक्स कैन बी सेट दैट टू बिगिन वेयर द लॉ एंड्स, ठीक है कि नहीं है? अब मजेदार बात बोलो, अगर बिजनेस एथिक्स होंगे ना तो कई बार जो है ना लॉ का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं बिजनेस एथिक्स के फायदे क्या है। दोस्त, फायदे तो बहुत हैं। इट फैसिलेट्स मीन्स आसान कर देता है, और ये प्रमोट भी करता है क्या, गुड टू सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के लिए सही हैं, आपसे कोई खतरा नहीं है, तो लोग आपके पास आएंगे, करीब आपके करीबी बनेंगे। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, सही बात है, जब लोग आपके साथ कंफर्ट फील करेंगे तो आपको देंगे भी। और क्या बूस्ट करता है, बिजनेस रिलेशन एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय को भी फील होता है कि बॉस, मेरा बॉस मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं इंसान भी समझता है, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर वही बात आती है, ह्यूमैनिटी वाली बात आ जाती है, इंसानियत वाली बातें आ जाती है, समझ में आ रहा है? और इंसानियत सबसे बड़ा है, ठीक है। चलो तो बिजनेस एथिक्स हमें समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर 10 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, जो कॉमनली हर जगह इंप्लीमेंट किए जाते हैं बिजनेस में। तो वो एथिकल थिंग्स क्या है बिजनेस में? प्रिंसिपल नंबर 1, सैक्रेडनेस ऑफ मीन्स एंड एंड्स। मीन्स एंड एंड्स का मतलब समझता है? इसको मैं अच्छे से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। बोलते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर बीज ही गलत है तो उसका कितना भी पालन पोषण करो, वो पेड़ भले ही बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको हरियाली से भरा हुआ पेड़ या फिर मीठा रस वाला फल कभी नहीं दे पाएगा, छांव नहीं दे पाएगा। सही बात है कि नहीं है? लेकिन अगर बीज ही बहुत अच्छी है तो वो पेड़ भी मजबूत रहेगा, हरियाली भी देगा और आपको मीठे मीठे रस भी देगा, छांव भी देगा। सही बात है कि नहीं है? तो इसीलिए कहा गया है कि काम में
प्योरिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोच जो जड़ है, अगर तुम्हारी सोच ही प्योर है तो काम भी क्या होगा, प्योर होगा। कितना अच्छा बोला है। इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मीन्स एंड टेक्निक्स अडॉप्टेड टू सर्व बिजनेस मस्ट बी सैक्रेड एंड प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्योर नहीं है भले वो कितना भी प्रॉफिटेबल है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर तुलसी के पौधे का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि वो प्योर होता है। नेक्स्ट, नॉट टू डू एनी एविल, किसी के साथ कोई भी बुरा काम नहीं करना है। सही बात है कि नहीं है? देख लो एग्जाम्पल, क्या ये अच्छा लग रहा है, ये आदमी किस तरह से लड़की के साथ बिहेव कर रहा है ऑफिस वर्क प्लेस में। सही है, किसी को कम्फर्ट जोन में ना रखते हुए उसका ही कम्फर्ट जोन आप छीन लेते हो। सही है, बिल्कुल नहीं। तो किसी को भी हार्म या ट्रबल नहीं दे रहा है। नॉन कॉपरेशन ऑन एविल्स, मतलब यहाँ देख रहे हो एक दूसरे की बैंड बजा रहा है, तो क्या आप भी उसके बैंड बजाने में सहायकार बनोगे, सपोर्टर बनोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं इसको रोकूंगा। गुड, दैट इज द बिजनेस एथिक्स। कॉपरेशन विद अदर्स, मिलकर हाथ बटाएंगे, टीम वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन विद अदर्स। सही है? जी हाँ सर, सही है। चलो, मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है और आप सही चीज का सामना कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। और ये वर्क प्लेस में कर रहे हो इसीलिए क्या कहा गया है, बिजनेस एथिक्स। बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, ह्यूमन डिग्निटी, भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है? आप में, चलो एज एन स्टूडेंट टीचर बात करते हैं, आपको मैं अपना स्टूडेंट मानता हूँ, राइट है कि नहीं? तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं आपके साथ कैसा भी व्यवहार करूँ, बिकॉज यू हैव योर ओन रिस्पेक्ट। और ठीक वैसे ही मैं, मेरी भी अपनी कोई रिस्पेक्ट है, एम आई राइट और नॉट, एज एन ह्यूमन। तो हमें एक दूसरे को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तो हमें सब समझ के लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऑफिस में कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, पर्सन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसे केवल काम का जरिया नहीं देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि ये इंसान भी है, उसकी भी कोई अहमियत है। और जब आप ये इंसान को देना शुरू करते हो ना तो वह आपके लिए काम ज्यादा करता है, ठीक है, क्योंकि उसे अपनापन लगता है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, नॉन वायलेंस, मैं तो शांति का पुजारी हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अशांति के पुजारी हैं तो बहुत गलत बात है। नॉट टू हर्ट इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ सोसाइटी, नॉट टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर बाय ओवरलुकिंग देयर इंटरेस्ट। सही बात है, उससे ज्यादा तुम अपना ही फायदा देखोगे तो बिल्कुल भी गलत है। प्यार फैलाओ ना, दे दे प्यार दे, टोइंग टोइंग। चलो, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब ये ऐसा कोई फेम वेम नहीं है, पब्लिसिटी का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो या करने वाले हो उसको पब्लिश करो, ताकि लोगों को पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके वजह से फिर क्या होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। देखो यहाँ पर वही लिखा है, एनीथिंग इज बीइंग डन और टू बी डन शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ एवरीवन, कि भैया ये ऐसा हुआ है, सही हुआ है तो हुआ है, गलत हुआ है तो हुआ है, अब ऐसा नहीं करना, अब ऐसे ही करना, हम ऐसा करने जा रहे हैं और ऐसा करने से क्या होगा, ये सब लेकर आओ सामने। इफ एवरीवन नोज, नन गेट्स अपॉर्चुनिटी टू बी अनएथिकल एक्ट, तो फिर कोई भी गलत बिहेव करने के लिए 10 बार सोचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट प्राइस, सही बात है भैया, कंज्यूमर आपको जितना पैसा दे रहा है ईमानदारी से उसकी वो चीज प्रोडक्ट वैसे ही दो जैसा तुम कमिट कर रहे हो। पीपल आर एंटाइटल्ड टू गेट गुड्स इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ मनी दैट दे विल पे एंड इट शुड बी डिजर्व फॉर कंज्यूमर। यूनिवर्सल वैल्यूज, जी हाँ, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात, देखो बहुत सारे एग्जांपल ये भी यूनिवर्सल वैल्यूज में ही हैं, इसके अलावा भी अगर कोई यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होनी चाहिए तो वो हमें करनी चाहिए। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको जानबूझकर नंबर 10 में रखा था। देखो यहाँ पर मैंने तराजू भी रखा हुआ है, क्यों रखा है, क्योंकि कोई भी चीज़ पड़ रहा किसी एक का भारी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बिफोर डूइंग एनीथिंग मेक प्रॉपर जजमेंट सो डैट अ फेयर व्यू विल बी टेकन, ताकि आप कहो कि सोच सको कि हाँ मैंने एक सही डिसीजन लिया है और उसके साथ साथ आप किसी और को हार्म भी नहीं पहुंचाओगे। तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट ना करो, सोच समझ के करो, ऐसा वो कह रहा है। सो आई बिलीव विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज एग्जैक्टली बिजनेस एथिक्स इन अ वर्क प्लेस। तो चलो सारांश करते हैं, फटाफट से रिकैप करते हैं,
what we are going to learn, principle of business ethics. And you should know that business ethics can be said where ethics is begins where ends the law, where the law ends. तो क्या 10 principles हैं? उससे पहले देख लो business ethics क्या होता है. Application of good behavior in business. That means to know what is right and wrong and follow the right things. That is called business ethics. What kind of the 10 principle? Sacredness of means and ends. जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे. तो purity होनी चाहिए. कोई भी गलत काम नहीं करना है. Not to do any evil. किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है. नॉन कॉपरेशन ऑफ एविल्स, मतलब आप कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करना है. कॉपरेशन विद अदर्स, मिलकर काम करना है. टीम वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. सामने वाले को सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं समझना चाहिए. नॉन वॉलेशन नहीं फैलाना है. शांति का पुजारी बनना है. जो भी चीज़ आपने कर ली है या जो करने वाले हो उसके बारे में बताओ ताकि अनएथिकल एक्ट से बच सकें. जो कंज्यूमर प्राइस दे रहा है उसी के इक्विवेलेंट आपको वैसी प्रोडक्ट देनी चाहिए या फिर उससे अच्छी ही देनी चाहिए. यूनिवर्सल वैल्यूज फॉलो करनी है ताकि बैलेंस बना रहे. और सभी बात, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचो और ये भी देखो कि सामने वाले को इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है. तब चीज़ें बैलेंस करके जो है अपना डिसीजन लो. इज दैट क्लियर और नॉट? दीज आर दी 10 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स. इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं अगली बार. तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत. बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव. थैंक यू.